कैंप में जो 10 योजनाएं पहले जो गवर्नमेंट की चल रही थी वो तो चल ही रही है, साथ में भी उन्होंने एक मोबाइल का भी। पब्लिक सर इसलिए कम है क्योंकि आज सरकारी छुट्टी भी है ना, इस कारण से पब्लिक कम है, वरना तो भीड़ रहती है यहाँ पर। कैंप में जो 10 योजनाएं पहले जो गवर्नमेंट की चल रही थी वो तो चल ही रही है, साथ में भी उन्होंने एक मोबाइल का भी शुरू किया है। मोबाइल का रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है, लेकिन विडो जो लेडी विडो है और जो तलाकशुदा है उनका ऑटोमेटिक अपना मैसेज आ जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन उनका यहाँ से होता नहीं है। पेंशन जो लेते हैं ना, पेंशन जिसकी 750 रुपये तक आती है, 500 या 750, उनकी बढ़ा करके हम यहाँ से 1000 रुपये करते हैं, फिर उनकी यहाँ से 1000 रुपये आती है। और लाइट का बिल तो वही 100 यूनिट जो कम होता है। आज लास्ट डेट वैसे तो सर है, लास्ट डेट ही है आज, पर हो सकता है कि आगे भी बढ़ा दें इसको जब तक आचार संहिता नहीं लगती है। पब्लिक का डिमांड भी है, पब्लिक की डिमांड तो है कि आगे बढ़ा जाए। मेरा नाम ऋतिका यादव। ये हमारे कौन से कैंप में आए हो, क्या फायदा मिला? ये हमारे को पेंशन का कराने के लिए आए हैं हम कैंप में, और ये हमारे को फ़ायदा मिला है। इसमें पेंशन का हुआ, बिजली का बिल हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, इसके हमको आगे बढ़ाया जाए। मोबाइल का भी करा लिया, स्मार्टफोन का। तो ये कैंप तो आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी पब्लिक को पता नहीं है अभी काम में, इस वजह से पब्लिक बहुत सारा परेशान है। अभी गांव वालों को बहुत सारा भी नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे कराया अभी टोंडी से। सरकार को क्या बोलना चाहोगे? हाँ, सरकार को बोलना चाहोगे आगे बढ़ाने के? हाँ, सरकार को हम कहना चाहेंगे 2-4 दिन इसको आगे बढ़ाया जाए, पब्लिक को पता नहीं है, वो पूरा हो जाए। नाम अब्दुल माजिद।